हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सतपति किचन में। और वीडियो में बने रहिए कंटिन्यू, क्योंकि आज मैं स्वीट कॉर्न की रेसिपी लेकर आई, जो कि बनाना बहुत ही टेस्टी है। और प्लीज़ जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो स्वीट कॉर्न की सब्जी बनाने के लिए उसको स्वीट कॉर्न को चाकू की मदद से सारे स्वीट कॉर्न को निकाल लेंगे, कॉर्न को हाथों को देखकर बचाकर। उस फिर ये मैं आलू कट कर ली हूँ, आलू को आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। प्याज कट कर ली हूँ, उसके बाद 3-4 लहसुन की कलियाँ, 3 हरी मिर्च और जीरा तेज़पत्ता छौंक के ले ली हूँ। तो ये कढ़ाई गरम हो गया हमारा, इसमें तेल ऐड करेंगे और उसके बाद जीरा तेज़पत्ता को ऐड कर देंगे, आलू को डाल देंगे, आलू को उलट पुलट करेंगे, थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे 30 से 40 सेकंड के लिए। फ्राई होने के बाद जो मसाला मैं दिखाई थी उन सबका पेस्ट बना ली हूँ। उस मसाला में जैसे जीरा, मरीच, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लहसुन, अदरक की 1-2 इंच टुकड़ा, प्याज, इन सबका पेस्ट एक साथ बना ली हूँ, और टमाटर का पेस्ट अलग बना ली हूँ। तो ये हमारा आलू बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसमें पेस्ट को ऐड कर देंगे और इसको 15 से 20 सेकेंड तक इसको भूनेंगे ढककर। और इसको भूनने के बाद इसमें ऐड करेंगे कॉर्न, जो कि कॉर्न हम लोग रखे हुए हैं निकाल कर, उसको कॉर्न को ऐड करेंगे। और कॉर्न ऐड करने के बाद इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे, नमक ऐड करेंगे, हल्दी ऐड करेंगे और कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने इसमें जो है मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। कश्मीरी मिर्च जो है आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, स्किप भी कर सकते हैं, ये तीखा नहीं लगता है। फिर इसको 2 मिनट तक भूनेंगे ढककर, बीच बीच में चलाते रहेंगे कि हमारा नीचे से जले नहीं, और इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक इसमें से तेल जो है निकलना, मसालों से तेल ना निकलने लगे। हाई फ्लेम को हाई रहने देंगे, इसको लो नहीं करेंगे, लेकिन यहीं पर खड़े रहेंगे, अच्छे से इसको भूनेंगे। भूनने के बाद इसमें पानी ऐड करेंगे, जितना हमें पानी चाहिए, ग्रेवी वाली सब्जी अगर चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग पानी ऐड करेंगे, अगर सेमी ग्रेवी चाहिए या फिर लटपटा सा सब्जी चाहिए तो उसमें कम पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद ऑलमोस्ट तो सारी हम जो वेज जो है कॉर्न, आलू सारे तो अच्छे से पक गए हैं, तो इसमें पानी उसी के अकॉर्डिंग मतलब कि पकाएंगे उतना ही जितना कि हमें ज़रूरत है, तो मीन्स कि ज़्यादा नहीं, 2 मिनट तक इसको पकाएंगे ढककर। और ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं। पानी अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ऐड करें और इसको 2 मिनट पकाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट तो सब्जियां पक चुका है हमारा मसालों के साथ भूनते भूनते। तो ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है सब्जी, और ये हल्की लटपटी से कलर भी कितनी बढ़िया लग रही है ना। और इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, ये खाने में बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी लगता है। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी थी। और आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सतपति किचन को। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।